नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कुर्तिदेव फॉन्ट से और आपका फोटोशॉप से। यहाँ देख सकते हैं कि शना इंटरनेट ने कमेंट किया है कि सर एक इशू है, हम हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन एक लेटर में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जैसे कामेश्वर लिखना है हिंदी में तो शॉ में वॉ कैसे जोड़े सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो सबसे पहले सना इंटरनेट जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम है कि कामेश्वर जो वर्ड है आप कुर्तिदेव से लिखना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम होता है सौ और वो में, तो चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ इस टाइप के वर्ड सौ और वो वाला जो वर्ड है इस टाइप के वर्ड आप लिख सकते हैं और कामेश्वर भी लिख कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए फ़ोटोशॉप में आप जानना चाहते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर, तो यहाँ देखिए कामेश्वर मैंने लिखा हुआ है। देखिए कामेश्वर आधा शॉ है, वो है, रॉ है और यहाँ पे जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है कुर्तिदेव का, तो यहाँ पे देखिए मेरा कुर्तिदेव बहुत सारा फॉन्ट है। देखिए कुर्तिदेव 010 है, उसके बाद जो भी लेटर है ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ बहुत सारा फॉन्ट ऑलरेडी है। तो कोई सा भी वर्ड से आप जैसे कुर्ती पैड है तो इसको देखिए सिर्फ क्लिक करने से देखिए लिखा हुआ सेम है, कोई सा बहुत सारा फॉन्ट है। देखिए कामेश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अलग अलग डिज़ाइन के है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा, देखिए कुर्ती पैड है इस तरह आएगा, मैं अलग अलग डिज़ाइन के सारे फॉन्ट्स मैंने कुर्ती पैड कुर्तिदेव के यहाँ पे इंस्टॉल है। देखिए कुर्तिदेव 0016 ये देखिए इस तरह लिखा हुआ आएगा। तो ये कैसे लिखते हैं, ये अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको सौ और वो में लिखने में, तो सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक आपको इन बिल्ट टूल मिलेगा जिसका नाम है कैरेक्टर मैप। ये देख सकते हैं कैरेक्टर मैप ये वाला टूल मिलेगा जो काफ़ी इजी है। जब आप हिंदी कुर्तिदेव का कोई सा भी वर्ड ऐसा लिखना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन सा वर्ड में क्या आता है, तो ये बहुत सिंपल है, इसका यूज़ करके आप कामेश्वर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए ये कैरेक्टर मैप कैसे आता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाइएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सेसरीज़ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए सिस्टम टूल्स है, सिस्टम टूल्स ये सब में रहता है हर कंप्यूटर में है, वहाँ पे देखिएगा कैरेक्टर मैप, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कैरेक्टर मैप का, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप फॉन्ट आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर वो हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए, तो यहाँ पे कुर्तिदेव जो फेमस फॉन्ट है 010 बहुत सारा कुर्तिदेव फॉन्ट यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कुर्ती पैड है ये सारे का सारे हिंदी फॉन्ट है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी एक चूज़ कर लें तो उसका यहाँ पे लेटर अक्षर यहाँ पे शो करेगा, देखिए शो कर रहा है। अब सवाल उठता है ये जो कामेश्वर मैंने लिखा है ये कैसे लिखेंगे, ये वाला कामेश्वर लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए तो फिलहाल इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे इसे मैं नो कर देता हूँ। अब फ़ोटोशॉप को ओपन किया मैंने, यहाँ न्यू में क्लिक करते हैं, न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ से एक नॉर्मल से एक पेज ले लिया मैंने 640x480 का, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कामेश्वर लिखना है तो सबसे पहले कैरेक्टर मैप को ओपन करें, आप यहाँ से फॉन्ट चूज़ करें। अब यहाँ से क लिखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं क आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली ये वाला जो क है ये जो एडवांस व्यू है अगर ये इस तरह क्लोज है तो इसको आप इस तरह क्लिक कर दीजिएगा, बाकी का यहाँ पर खुल जाएगा। अब सबसे पहले क लेटर पर यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट आप चूज़ कर लीजिए फॉन्ट बॉक्स से, उसके बाद क पे क्लिक कीजिए, क आ गया यहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ कैरेक्टर टू कॉपी के बॉक्स में वो क आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क आ गया। उसके बाद आ की मात्रा है, यहाँ से देखना होगा आपको आ की मात्रा कहाँ है, ये देख सकते हैं इसी के अंदर है क के लाइन वाला में ही, देखिए आ की मात्रा यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए क आकार आ की मात्रा आ गया। अब म लिखना है तो म यहीं पे देखिए म पे क्लिक कीजिए सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए म आ गया। और ए की मात्रा देना है, देखिए यहीं पे ए की मात्रा है ये देख सकते हैं, म या ए की मात्रा सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए कामे अब सौ लिखना है, आधा शॉ और वो लिखना है तो आपको देखना होगा शॉ कहाँ है, तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे शॉ है, सौ पे क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, ये देखिए आ गया सौ। बीच में गैप है लेकिन जब पेस्ट कीजिएगा तो गैप नहीं रहेगा, पहले यहाँ पर लाइए आप, सौ आ गया। फिर वो देखिए वो कहाँ है, बहुत सिंपल है, वो यहीं पे होगा, देखिए आपको ऐसे ऐसे ढूंढना होगा,
यहाँ पे देखिए वॉ होगा, ये देखिए वॉ यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, देखिए आधा शॉ और वॉ हो गया, फिर रॉ, रॉ इसी लाइन में कॉ वाला रो में है, ये देखिए रॉ पे क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, देखिए कामेश्वर यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं कामेश्वर। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कीजिए, या सिलेक्ट करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो गया। ये कैरेक्टर मैप का ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसको मिनिमाइज़ कीजिए, वापस फोटोशॉप में चले आइए। आने के बाद यहाँ पर जो टूल बॉक्स है टेक्स्ट टूल पे, ये जो टूल है टाइप टूल जिससे हम लोग टाइप करते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और अपने पेज पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कर्सर यहाँ थोड़ा बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया कर्सर। अब यहाँ पे क्या करना है, एडिट में जाके आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया। अगर ये नहीं आता है, कुछ लिखा हुआ दूसरा आता है, तो कोई बात नहीं है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा अक्षर को जैसे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर मान लेते हैं दूसरा फॉन्ट में इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जैसे ही इसको टेक्स्ट टूल पे ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक कीजिएगा, तो उसका जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे सॉरी प्रॉपर्टी बार है, यहाँ शो करेगा। यहाँ पे डाउन बटन में जाइएगा, यहाँ पे देखिए कृतिदेव आएगा, यहाँ पे आपको ढूंढना होगा कृतिदेव, जो फॉन्ट आपने इंस्टॉल कर रखा है, या कृतिदेव आप लिखिएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कृतिदेव के सारे फॉन्ट यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए वाइड में क्लिक करेंगे, ये देखिए कामेश्वर ऐसा आ गया। उसके बाद दूसरा है देखिए, जो बहुत सारे स्टाइल में देखिए मेरे पास फॉन्ट है कृतिदेव का, यहाँ सब जो अच्छा लगे, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट अच्छा है, तो जो अच्छा लगे आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ये देखिए कामेश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ फॉन्ट वगैरह, ये देखिए यहाँ पे 120 करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर इसको सिलेक्ट करके 140 करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ, जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आप इसको चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह ड्रैग कर दीजिए, स्केलिंग कर दीजिए। उसके बाद इसको कलर वगैरह चेंज करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से रेड ले लिया, इसको स्टाइलिश थोड़ा बना देते हैं, ये देखिए कलर हो गया। इस पर आपको दूसरा कलर आउटलाइन में सेट करना है, तो लेयर का पैलेट में जाइए, ये यहाँ पर आइए नीचे एड लेयर स्टाइल में, यहाँ पर स्ट्रोक है, स्ट्रोक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइज, यहाँ पर कलर है, कलर आप चूज़ कर लीजिए, ये देखिए ओके कर दीजिए, फिर ओके कर देते हैं, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ कामेश्वर आ गया। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप रन कमांड से भी कैरेक्टर मैप ला सकते हैं। आप कैरेक्टर मैप ओपन कीजिए, यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कीजिए, जो भी फॉन्ट आपको लेना है, जैसे कुरुदेव कितना फॉन्ट है चूज़ कीजिए, वो सारा फॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। बस जिस स्टाइल से आपको लिखना है यहाँ से आप सिलेक्ट करते जाइए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, लास्ट में जब लेटर आपका हो जाएगा फिर कॉपी कीजिएगा, आप यहाँ फोटोशॉप को ओपन कीजिएगा, अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, फॉन्ट को चेंज कीजिएगा, तो आपका वो हिंदी लेटर आ जाएगा। आई होप सना जी आपको समझ में आया होगा, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।